आप मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए सर, नाइग्रा फॉल्स के राखी लिए। में सबसे पहले अपने दर्शकों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम बहुत ही दिल से देखते हैं और सुनते भी हैं रेडियो को। तो मेरे आज मैं राखी आपको स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। मेरे पास और हमारे पास बेसिकली बहुत ही शानदार कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉर्मली, और एक जो अभी है जो हमारे सिटी के साथ में मैं मिल के काम करता हूँ। जैसे राखी जी मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे को इटालियन आती है, तो मैं सिटी के लोगों के साथ में लोकल लोगों के साथ अच्छे से मिंगल कर लेता हूँ। तो हमारे पास सिटी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया प्रेस्टीजियस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ठीक है सर, तकरीबन 20 एकड़ की। इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी के पास में नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है हमारे पास में, हम उसकी लिस्टिंग वगैरह नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोग आके डेवलपमेंट करें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिटी भी ये चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो जी। और लोग आएँ। और अभी तो बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही सस्ती हैं वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू GTA और दूसरी जगहों के मुकाबले में, और सिटी भी उसके लिए बहुत सारा हेल्प कर रही है क्योंकि उसके आस पास रोड बना रही है। और ये जो प्रॉपर्टी जिसकी मैं 20 एकड़ की बात कर रहा हूँ वो सर्विस प्रॉपर्टी है, मतलब वहाँ पर सुअर भी है, वहाँ पर पानी भी है, सब कुछ चीज़ें हैं, और डिस्पोजल के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट है जिसको स्टॉर्म वाटर के लिए हमारे पास में है। और इसके अलावा राखी मेरे पास एक और भी हमारे पास में एक और भी बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है जो मैं अपने दर्शकों बताऊंगा, वो है एक तरह की, उसमें एक बहुत ही बड़ा 3000 तकरीबन स्क्वायर फीट का घर है, उसके साथ 5 कमरे हैं, वो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं रेंटिंग के लिए हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सी जगह है वहीं पर ही, जो पहले 8 कमरे थे वो होटल की तरह पहले चलता था, उन्होंने फिर उसको चेंज करके ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो लैब वगैरह के लिए, ऑफिस के लिए, इवन रेस्टोरेंट वगैरह के लिए भी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह की वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, और क्योंकि घर को आप रेंट पे दे सकते हैं, पीछे वाले जो 5 कमरे हैं उनके साथ अटैच वॉशरूम है, छोटा सा किचन है, सब कुछ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो उस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में स्पेशलाइज़ करते हैं। और किसी को इसके बारे में जानकारी लेनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, या रहना हो, या प्रॉपर्टी मैनेज करनी हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी किसी को, मैंने जैसे हमेशा बताया, नायग्रा फॉल में किसी को ज़रूरत है और प्रॉपर्टी के अलावा भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो, सिटी से लेनी हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लेनी हो, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से, तो मेरा एज ए कंसल्टेंट मेरा ये भी काम रहता है, मैं उनके साथ भी ताल्लुकात बना के रखता हूँ ताकि जो भी काम हो वो लीगली हो हमारे यहाँ पर, ऐसा मेरा विचार रहता है। तो किसी को भी इसके बारे में राखी जी जानकारी लेनी हो वो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और थैंक यू सर। सर जैसे कि अभी हमें अभय माथुर जी ने बताया वहाँ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट एक एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, एक पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए सर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें फिर से दावत दी और इन्वाइट किया कि हम आपके शो में आकर और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सेकेंडली येस, एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट की मुझे याद है लास्ट वीक मैं आपसे शायद बात ये कर रहा था, उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स किया और बहुत सारे लोगों की मैं सब मदद कर रहा हूँ, थैंक्स टू यू, और के लोगों को एजुकेट भी कर रहा हूँ डिफरेंट फील्ड में। तो जी, तो आते हैं पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जी बिल्कुल। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो वेस्ट जोन में हो यानी नाइग्रा रीजन में हो, चाहे वो ईस्ट जोन में हो यानी टोरंटो रीजन में हो, कहीं पर भी हो, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स जी, राइट। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपने कारोबार कर रहे हों, कोई लोग अपने बिजनेसेस चला रहे हों या जॉब्स कर रहे हों, उनके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, तो वो हमारे से आके कंसल्ट करें, हम उनको फ्री एडवाइस करेंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि उनके पास कितने पैसे एक्स्ट्रा है, उसके हिसाब से उनको प्रोजेक्ट
देंगे जिसमें उन मतलब होपफुली उनको एप्रिसिएशन ही मिलेगी और वो कर सकते हैं काम। ठीक है, ये हो गया पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी प्रॉपर्टी ग्रो होगी, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, रेंटल रिटर्न प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द टाइम आपकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली फ्री हो जाएगी। और इन सब चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका पार्टनर। जी बिल्कुल, आपका बिजनेस पार्टनर। तो आपका सबसे बेस्ट बिजनेस पार्टनर कौन है ऑन अ प्रॉपर्टी? आपका सबसे बेस्ट बिजनेस पार्टनर है आपका बैंक। जी बिल्कुल, राइट। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10% 20%, आपकी तरफ से 80% इन्वेस्टमेंट होती है आपकी बैंक की। तो 80% रिस्क आपका बैंक लेता है और उसके बाद आप करते हैं। तो एज लॉन्ग एज हम आपको उस टाइप की प्रॉपर्टी हम आपको डिस्टिंग्विश करके देंगे कि इस प्रॉपर्टी में आपकी जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि आपकी मॉर्गेज पे ऑफ होती हो जी, आपको जो रेंटल रिटर्न आता है उसके अंदर आप आराम से अपनी एक्सपेंसेस निकाल सके, पे कर सके, और आप या तो जीरो हो जाए या फिर आप प्लस में चले जाए। अगर आप जीरो आज होते हैं तो कल करा को आप प्लस में ही जाते हैं क्योंकि मॉर्गेज के आपके नीचे आते हैं, प्लस आप कैपिटल अप्रिसिएशन जो होती है वो आपको अलग से मिलती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज में हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। ये तो हुई जो ऑलरेडी रेंटल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं लैंड्स, लैंड्स और लैंड्स के अंदर भी इसके अंदर हम एक्टिव और पैसिव दोनों इन्वेस्टर्स को हम डील कर सकते हैं। क्योंकि लैंड इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि लैंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे टाइम होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके निकलते हैं। एक तो रॉ लैंड होता है तो आप